नमस्कार गाइस, आज आपको अपने गांव टीटी आर्ट भंडला की सैर कराएंगे, आपको यहां का सुंदर नज़ारा दिखाएंगे। उसके बाद आप बने रहिए वीडियो में, जल्दी ही आपको मंदिर के दर्शन कराए जाएंगे। बेहतरीन मंदिर बना हुआ है, भव्य मंदिर, तो पुरानी यादें ताज़ा होती हैं दोस्तों। ये बढ़िया नज़ारा टीटी आर्ट की तरफ, आर्ट गाँव, कई यहाँ पर अच्छे से गाँव हैं, अच्छा खेत है, श्रेणीदार खेत, बीच में एक नदी जाती है नीचे, ये दिख रहा होगा आपको। इधर से हमारे घर के सामने पार गांव आता है। पहले यहाँ पर हम इनमें खेती करते हैं, आजकल लाल किसान पलायन कर चुके हैं, लगभग कम हैं किसान, तो यहाँ पर खेती कम हो पा रही है। ये मंदिर है, जय हो। और जंगल दिख रहा होगा हल्का सा पार, ऊपर पहाड़ी, सुंदर हरियाली है, ये पहाड़ी है दोस्तों। उसके बाद ये हमारा भंडला गांव यहाँ से दिख रहे हैं। ये गांव से फिर नीचे आए, फिर हमारे माल्टा के पेड़ दिख रहे हैं दोस्तों। आजकल माल्टा हरे लगे हैं, अभी हुए नहीं हैं, काफ़ी पेड़ लगाए हैं माल्टा के, हमने 20-30 पेड़ हैं, तो अभी जब जल्दी ही माल्टा भी खाएंगे हम पकने के बाद। ये देखिए माल्टा, इसको प्लेन में माल्टा के किन्नू बोया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ माल्टा बोलते हैं इसको, बहुत अच्छा स्वादिष्ट होता है। ये ऊपर का नज़ारा ननपापू गांव, पंजमोड़ देवता यहाँ पर, देचुला भागलिंग देवता ऊपर टॉप में बसे हुए हैं। और उसके बाद जल्दी ही आपको मंदिर का दर्शन कराते हैं। जय मलेनाथ स्वामी, ये हमारे भंडला मलेनाथ स्वामी का मंदिर है। सभी गाँव वालों ने मिलकर यहाँ पर अच्छे से बनाया हुआ है धर्मशाला, देखिए नहीं से किसी साइड में भी 2-3 धर्मशाला बने हुए हैं। यहाँ पर आजकल मंदिर में नवरात्रि के उपलक्ष्य में पूजा पाठ चल रही है, ये देखा होगा लेफ्ट साइड में आपने, दानदाताओं का नाम लिखा हुआ है। काफी साल पहले ये मंदिर बनाया गया था, तो ये धुनी है, यहाँ पर धुनी को राग बनने के बाद टीका लगाया जाता है। मंदिर पुजारी जी अंदर जा रहे हैं, काफी दृश्य देखने को मिल रहा है, आप भी जरूर आए मंदिर के दर्शन करें। जी प्रकार दोस्तों, ये काफी लोग यहाँ पे आए हैं, अभी आ ही रहे हैं, अभी सुबह का वक्त है, धीरे धीरे श्रद्धालु यहाँ पर बढ़ेंगे। और साथ में हमारे गुरु यहाँ पर पारायण पढ़ते हुए, ऋषि भी देखिए काफी लंबा है, ऊपर का गुफा छतरी नुमा बना रखा है वहाँ पे। धर्मशाला चिमटी रखी है, देखो इसमें धुनी नमाई जाती है। और उसके बाद ले चलते हैं आपको गेट की तरफ, एक गेट वहीं तरफ है दोस्तों, और इसके अलावा एक गेट यहाँ है, यहाँ से एंट्री होती है, अंदर से दिखा रहे हैं आपको, एंट्री वाला गेट है, इससे नीचे एक और गेट होगा, तो यहाँ पर